आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट की अहम बैठक की गई है। वहीं इसी बैठक में कई अध्यादेशों पर भी मोहर लगाई गई। दरअसल शासन ने निकाय चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को आरक्षण की सूची जारी की कर दी थी। मेरठ महापौर सीट ओबीसी वर्ग के लिए ही आरक्षित रखी गई है। नगर पालिका मवाना अनारक्षित और सरघना नगर पालिका पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। बता दें कि महापौर सीट पहले भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके चलते सभी पार्टियों में ओबीसी वर्ग के दावेदारों की तरह से आवेदन कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकाय चुनाव को हरी झंडी मिलने के बाद दोबारा से आरक्षण सूची जारी की गई है, जिसमें भी मेरठ महापौर सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। नगर पंचायतों की बात करें तो हस्तनापुर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। बसुमा अनुसूचित जाति, खरदौना अनारक्षित, दौराला अनारक्षित, करनावल पिछड़ा वर्ग, परिषदगढ़ अनारक्षित, फलवदा पिछड़ा वर्ग, लवड़ पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश समाचार जुड़ चुके हैं। रितेश, निकाय चुनाव को लेकर अध्यादेश जारी हो चुके हैं और कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित की जा चुकी है, इसकी भी लिस्ट आ चुकी है, क्या कहेंगे अभी आप इस पे? चुनाव को लेकर के जितनी अटकलें थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जो नई आरक्षण की सूची है उसको नगर विकास के मंत्री उसे शर्मा ने प्रशासन के जरिए जारी भी कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं मामला बढ़ा और दिसंबर से लेकर के अब ये अप्रैल मार्च का महीना पूरा खत्म हो गया, अभी तक चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही थी। इसको लेकर के पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के जो अधिकारी थे वो दिल्ली ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब देते हैं उसके बाद से फिर अधिसूचना की बात की जाती है, राज्यपाल की मोहर लगती है, उसके बाद अब आरक्षण की जो सूची है वो आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाती है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए करीब 288 और एससी को कुल 110 और एसटी को 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आरक्षण का समीकरण था वो लगभग बदलता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 760 नगर निकायों में 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत के चुनाव। नितेश, आप कैसे देखते हैं कि ये सूची आरक्षित जारी की है सूची, आप क्या इससे आपको लगता है कि आम जनता इसकी तैयारी में जुटेगी और संतुष्ट नजर आ रही है, क्या उनकी अपनी कोई जिस पे मतभेद नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जाहिर की बात है कि यदि जिस जगहों पे सीटों का बदलाव हुआ है, पहले वहां पे जो प्रत्याशी थे वो अपना दमखम दिखाने के लिए जुटे हुए थे, वो कहीं ना कहीं ब्लैक और बोर्डिंग और बैनर्स में और जनता से मिलने के लिए जो उनका आय व्यय था वो लगभग खर्च कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भूमिका बना रहे थे नगर निकाय के चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का हो या चेयरमैन का हो या मेयर का हो। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं समीकरण बदले हैं। अगर लखनऊ महापौर की बात की जाए तो 11 सीटों पर भी बदलाव किया गया है। आगरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली को छोड़कर के बाकी 11 आरक्षण की जो सूचियां है मेरठ उनको बदला गया है। अगर बात की जाए लखनऊ की तो लखनऊ में करीब जो है 14 वार्डों का भी आरक्षण बदला गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 73 के बीच का जो है बदलाव किया गया है, बाकी जो 35 वार्ड है लखनऊ के उनको पहले की तरह उसमें आरक्षण लागू रहेगा। फिलहाल अगर जिस तरीके से आरक्षण की बदलाव भी किया गया वो फिलहाल ओबीसी आयोग ने जो इसकी रिपोर्ट दी थी उसको मुख्य मद्देनजर ही किया गया, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कई जिलों में बदलाव हुए हैं, कई नगर पंचायतों में बदलाव हुए हैं, तो ये बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि जो पहले नेता अपना दमखम दिखाने के लिए जुटे हुए थे अब उन नेताओं का भी बदलाव होगा। अभी आरक्षण की जो सूची है ये दे दी गई है, 6 दिन का समय, 6 तारीख तक का समय दिया गया है। 6 तारीख को शाम को 6 बजे तक नगर विकास विभाग का जो निदेशालय है जयंती नगर में वहाँ पर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और आपत्तियों को दर्ज करने के बाद जो उसका रिपोर्ट होगा लास्ट उसकी जो सूची वो चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी।
कहीं ना कहीं रीते जो इससे पहले जो पूर्व प्रत्याशी रहे होंगे और जो पूर्व प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में उतरे होंगे, कहीं ना कहीं उनको निराशा का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि काफी कुछ समीकरण इसमें बदलते नजर आ रहे हैं और जो तैयारियां अभी निकाय चुनाव को लेकर अगर वो कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं निराश होंगे। अगर उनसे अगर आपसे ये बात की जाए कि क्या निराशा उनके में आपकी अगर बात हुई होगी तो इस लिस्ट को सूची को देखने के बाद उन्होंने अपना क्या इस पे प्रतिक्रिया दी है इन प्रत्याशियों ने, और जो नए प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं वो खुश भी नजर आ रहे होंगे जो तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता का लोभ है और सत्ता का लोभ जी हर किसी को होता है, जो राजनीति में होता है उसे सत्ता का लोभ होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जो आरक्षण पहले के तहत प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए निकल चुके थे, अब आरक्षणों का जो बदलाव हुआ है जिन जगहों पर जिन जिलों पर जिन नगर पंचायतों में जिन नगर पालिका परिषदों में बदलाव हुआ है उन बदलाव को लेकर के जो प्रत्याशियों की आरक्षण की सूची बदली गई तो कहीं ना कहीं किसी की अगर कुर्सी डगमगाएगी तो समस्याएं आएंगी। लखनऊ की अगर बात करें तो महिला की जीत हो गई है, यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े नेता है जो अपना दमखम आजमाएंगे। बात की जा रही यहाँ पर लखनऊ में जो पद है यह बहुत बहुत ही बेहद गंभीर पद माना जाता है, तो लखनऊ के भी रेस में बहुत सारे नाम ऐसे निकल करके आएंगे जिनके नामों की चर्चा लगातार बाहर चल रही है। अपर्णा यादव जिसकी बात की जाए तो उसकी भी बात लगातार लखनऊ की मेयर सीट के लिए चल रही है। तो आने वाला समय बताएगा, फिलहाल जिन प्रत्याशियों का समीकरण बदला है जो प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए दिसंबर से ही जुटे हुए थे, जगह जगह पर रोड पर फ्लैक्स बोर्डिंग बैनर्स लगाए जा रहे थे और प्रचार प्रसार किया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी का भी माहौल है। इसके बाद भी अगर एक दूसरे पड़ने पर जब देखा जाए तो जो आप नीतियां बदली है तो उसमें नए नेता भी उधर के सामने आएंगे और वो अपने प्रचार प्रसार के लिए आगे जुटेंगे। फिलहाल अभी जो नगर विकास विभाग की अधिसूचना जारी की गई आरक्षण की उसको लेकर के आपके 6 तारीख को शाम 6 बजे तक नगर विकास विभाग के मुख्यालय पर जमा की जाएंगी, उसके बाद आखिरी लिस्ट बनेगी, आखिरी लिस्ट बनने के बाद चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा राज्य चुनाव आयोग को, उसके बाद चुनाव आयोग से नगर विकास विभाग ये निवेदन करेगा कि अब चुनाव की तारीखों का घोषणा किया जाए, उसके बाद ही आगे चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि नए लोगों को एक मौका देने की बात भी कही जा रही है और सियासी तौर पर समीकरणों को अगर देखा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता का जो समीकरण है उसको भी बैठाने की कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग को किसी तरह से अपने हाथ में लिया जाए, ऐसा भी आपको क्या नजर आ रहा है कुछ इसमें? तो बिल्कुल सही बात है, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है तो उसको लेकर के लिए नगर निकाय का चुनाव बेहद खास माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा की जो गति है वो यहीं से तय होकर के जाती है, यहीं से पूरा बनता है, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश बेहद खास है। अभी लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसके लिए भी जितने नेता है वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में जनता आता है। की अगर बात करें तो दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री है, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ उनकी बैठक हुई है, अब वो भी साथ में बैठ करके क्या चर्चा हुई होगी, क्योंकि बात बड़ी तेज हो गई है कल से, हो सकता है दोनों पार्टी ये मिलकर के सुभाषपा भारतीय जनता के पार्टी के साथ नगर निकाय का चुनाव लड़े, हालांकि ओम प्रकाश राजभर इसकी घोषणा कर चुके हैं। फिलहाल अब आगे क्या रणनीति होगी, फिलहाल उत्तर प्रदेश के समीकरण को बदलने के लिए नगर निकाय की एक एक सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दमखम से जुटी है। जो आरक्षण की नीति लागू हुई है, जो आरक्षण की सूची जारी हुई है, उसको देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को मजबूत करती नजर आ रही है। अभी आने वाला समय बताएगा मनीष कि जब नगर निकाय चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद जब मतदान होगा, मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही उस बक्से में किसकी किस्मत बंद होती है, ये जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद साफ जाहिर हो जाएगा सामने कौन सत्ता पक्ष में आ रहा है और कौन उपगति पर बैठ रहा। जी रितेश, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव जो है 2024 की रूपरेखा भी तय करेगी और पार्टियों को कितनी गंभीरता से आगे की तैयारी करनी है इसको भी वो कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल रितेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट की अहम बैठक की गई, वहीं इसी बैठक में अध्यादेशों पर भी मुहर लगाई गई है और कई सूचियों में भी काफ़ी फेरबदल नज़र आ रहा है, जिसमें नए लोगों को भी मौका देने की बात नज़र आ रही है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो पुराने तरीके से या पुराने ढर्रे से लोगों के काम हुए हैं उसमें भी कोई नई सोच नज़र आए और कुछ नए तरक्की और नए विकास की रूपरेखा तैयार की जा सके। इसी के तहत पुराने कई मापदंडों को भी बदला गया है सूची के अनुसार जो देखने में आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि जो एक लंबे समय से बराबर एक प्रत्याशी रहे हैं अब वो प्रत्याशी आगे अपना किस्मत को नहीं आजमा पाएंगे और नए प्रत्याशियों को उसमें मौका मिलेगा
हमारे साथ संवाददाता हरदोई से हर्षराज भी जुड़ चुके हैं। हर्षराज, निकाय चुनाव को लेकर पूर्व प्रत्याशियों की जो भी तैयारी थी, कहीं ना कहीं वो खामोश होती नजर आ रही, कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों पर विराम लगता नजर आ रहा है और नए लोगों को एक उम्मीद जगी है कि कहीं उनको भी एक मौका मिल सकता है। कैसे आप देखेंगे और क्या आपके क्षेत्र में तैयारियां को लेकर प्रत्याशी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या वहां पर इस समय स्थिति है? नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शाहबाद विधानसभा जो आसिफ खान बब्बू थे नगर पालिका, वो अपने ड्राइवर को लड़ाते थे, लेकिन इस बार जो नई ये आरक्षण आया है इसमें ये सामान्य सीट हो गई है शाहबाद विधानसभा की। वहाँ पे जब भी हुई ओबीसी रही है तो आसिफ खान बब्बू जो सपा के विधायक रहते थे जी। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आसिफ खान बब्बू जो रहे थे वो अब की जो है कहीं ना कहीं सामान्य सीट पे दावेदारी अपनी करते हैं तो देखा जा सकता है। और यही बात करें अगर हरदोई विधानसभा की तो यहाँ पे नरेश अग्रवाल जिसको चाहते हैं उसी को लड़ाते हैं और उन्हीं की दावेदारी बनती है जी। अशराज, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे इस समय स्थितियाँ किसके पक्ष में नजर आ रही है और कितने लोग वहाँ पे प्रत्याशी खुश नजर आ रहे हैं इस आरक्षण सूची को देखकर? अगर मनीष जी बात की जाए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, उन्हीं की पार्टी है। अगर देखा जाए कई बार जो है यहाँ पे कई चेहरे मायूस होते हैं, लेकिन ये नई आरक्षण सूची आने के बाद यहाँ पे कई के चेहरे खुशी छाई है तो कहीं मातम की उनके चेहरे पे आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी और कहीं ना कहीं जिताएगी जी। अगर पार्टियों की बात करें तो भाजपा और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का क्या समीकरण बैठता नजर आ रहा है आपको इस निकाय चुनाव को देखते हुए? आपको बता दें कि जिस तरीके से सपा और यहाँ पे भाजपा में ही टक्कर होने वाली है, बसपा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रबल दावेदारी से है और हमको लगता है कि जो शहरवासी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को ही जीत का एक पैगाम लाएगी। हर्षराज, इस सूची को देखने के बाद जो पार्टियां हैं उनका अभी तक क्या बयान इस पे आया और क्या उन्होंने इस पे अपनी बात रखी है कि वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चाहे सपा की हो चाहे अदर पार्टियों की बात करें हम हरदोई को लेकर? यहाँ पे अगर मनीष जी देखा जाए, यहाँ पे जो मोहल्लेवासी हैं या नगर पालिका जो वार्ड मेंबर हैं या अध्यक्ष जो उनसे बात की गई तो बताते हैं कहीं ना कहीं भाजपा से अगर टिकट मिलता है तो हम दावेदारी अपनी रख सकते हैं और कहीं ना कहीं जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन अगर सपा के खेमे की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं मायूसी भी है क्योंकि सीट चेंज हुई है, कहीं ओबीसी हुई है, कहीं सामान्य हुई है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कहीं ना कहीं सपा और भाजपा में टक्कर तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा मौजूदा सरकार है वो अपने ही प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी जी। अशराज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट आ गई है, लिस्ट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और सभी को जोड़ने की कोशिश की गई है। दावेदारों की तरफ से आवेदन कर दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी कर गई थी उसको लेकर लिस्ट जारी करी गई, उस लिस्ट में बड़ी तादाद में फेरबदल किया गया और सभी जातियों को के समीकरण को साधने की कोशिश भी की गई है इसमें। कानपुर के बांस मंडी में कपड़े का होलसेल मार्केट 8 घंटे तक जलता रहा, अब तक 800 से ज्यादा दुकानें जल चुकी हैं। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों की 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी। आग से 20 अरब यानी 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भीषण आग को देखते हुए बांस मंडी की ओर सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है, साथ ही आसपास के दुकानदारों से भी दुकान खाली करने की अपील पुलिस प्रशासन ने की है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही बता दें कि अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज कानपुर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत दुखद है, फायर ब्रिगेड टीमों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज और प्रभावितों के हर संभव सहयोग हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहा हूँ। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर में ये एक बहुत
बड़ी घटना है जिसमें कि 800 से ज्यादा कपड़ों की दुकानों में भीषण आग लगी है। इसको लेकर अभी आपके पास ताजा जानकारी क्या आ रही है? से आग लगी थी और बहुत भयानक आग थी और इतना विकराल रूप ले चुकी थी क्योंकि आसपास के लगभग 6 कॉम्प्लेक्स थे जिसमें लगभग 800 दुकानें थी जो पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी हैं और अभी भी आग पे काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जगह जगह से धुआं उठ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब इन आग पे कब तक काबू पा जाएगा। मैं बता दूं कि तीनों सेना इसमें लगा दी गई हैं जिसमें एयरफोर्स है, जल सेना, थल सेना, तीनों सेनाएं लगा दी गई हैं ताकि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। लगभग 6 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं और कुछ स्पेशल गाड़ियां अग्नि बुझाने वाली जो कि लखनऊ से बुलाई गई हैं जो कि आग तक काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आग लगी है ये बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। इस वाला बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें ट्वीट किया है, ट्वीट करके पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है। संज्ञान लेने के बाद आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो जितनी भी कोशिश की जाए इन सब चीजों पर काबू पाया जाए और जो भी घायल है घायलों को तुरंत अच्छे से अच्छे उपचार के लिए अस्पताल में भेजा जाए। लेकिन जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने अभी तंज बड़ा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जहां लोग महंगाई और जीएसटी जैसी लोग चीजों से व्यापारी मार खा रहे थे ठीक उसी में एक विपरीत परिस्थिति सामने ये आएगी जो आग लग गई है और सरकार को तुरंत इस पर अहम कदम उठाना चाहिए। अहम कदम उठाने के बाद उचित मुआवजे की मांग करें जिससे अधिकारियों जितने व्यापारी हैं व्यापारियों को थोड़ी आश्वासन मिल सके। जी अनिल, इतनी भारी ये आग लगी है, इतनी भारी बर्बादी इसमें हुई है, कम से कम 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें इसमें लगी हैं, 800 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और अरबों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये बहुत ही घनी आबादी है जहां पर आप मौजूद हैं, वहां के दुकानदारों से क्या आपने बात करी, उनकी इसमें उन्होंने क्या कहा है इस पे? जी मनीष, मैं बता दूं कि जब दुकानदारों से बात हुई तो एक्चुअली क्या है कि जो कानपुर का सबसे बड़ा कपड़ों का व्यापार है, व्यापार चलता है और जितने भी होलसेलर्स हैं लगभग 800 होलसेलर्स से उससे ज्यादा दुकानें यहाँ पे हैं और बड़े बड़े गोडाउन लोगों ने बना रखे हैं। यहीं से पूरे देश विदेश में यहीं से कपड़ों का व्यापार होता है और हालांकि कानपुर का जो कपड़ा व्यापार है वो पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है तो कहीं ना कहीं जिसके चलते और ईद का त्यौहार भी कुछ दिनों बाद था इसके चलते स्टॉक रखा गया था। स्टॉक रखने के बाद जगह जगह व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए यहाँ से डिलीवर कर रहे थे जिसके चलते एक आग लगी है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से ये आग लगने से टूट चुकी है और जब व्यापारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो व्यापारी भी थोड़ा सा रुष्ट दिखे। रुष्ट ये था कि अगर टाइम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। लेकिन कहीं ना कहीं जब जो दुकानें अगल बगल सटी हुई दुकानें हैं, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से दुकानें हैं लगभग 800 दुकानें उसी में एक SBI बैंक थी, SBI बैंक भी जल के राख हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आग का भयानक रूप है जो व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका है। अनिल, 800 से ज्यादा दुकानें जल चुकी हैं और कम से 8 से 10 घंटे तक बराबर यहाँ पर ये अग्निकांड होता रहा है, क्या फायर ब्रिगेड की टीमें समय से ना पहुंचने का कारण क्या कहीं ना कहीं वो भी है कि समय से वो अगर पहुंच जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना हो पाता क्योंकि 800 दुकानें एक बड़ी संख्या है। जी मनीष, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से आग लगी थी और प्रशासन ने बिल्कुल अनुमान नहीं लगा पाया कि आग इतना भयानक रूप ले सकती है क्योंकि जिस हिसाब से जो आग है अभी भी जब लगभग 6 दर्जन गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आने से आग पे काबू नहीं पा पाई है लेकिन आप समझ सकते हैं कि कानपुर जिले में फायर ब्रिगेड की कुछ ही व्यवस्थाएं हैं, कुछ ही व्यवस्थाओं जो जिस हिसाब से कानपुर की व्यवस्थाएं थी उसमें कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भयानक रूप आग ले चुकी थी। तो आसपास की जो क्षेत्रों से गाड़ियां मंगाने में कुछ समय लगता है जिस समय उस समय के उपरांत ही ये सब बड़ी घटना हो गई। हालांकि प्रशासन ने जैसे ही प्रशासन को इन सब चीजों के बारे में जानकारी हुई प्रशासन तुरंत अलर्ट हुआ, अलर्ट होने के बाद में संबंधित अधिकारियों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद सारे अधिकारी जितने भी आला अधिकारी हैं चाहे कानपुर के कमिश्नर हो, चाहे कानपुर के जिला अधिकारी हो, चाहे कानपुर के JCP हो, सभी लोग मौके पे आ गए थे। मौके पे आने के बाद जो भी अथक प्रयास इनके द्वारा माध्यम से हो रहे थे वो बराबर कर रहे थे और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्रशासन इतना एक्टिव हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी इसके बाद, लेकिन प्रशासन के एक्टिव होने के बाद ही ये बड़े मामले में काबू पाया गया है। अनिल, क्या इसको फेलियर के तौर पे देखा जा सकता है कि 800 दुकानें जलकर खाक हो गई और कितनी समय बाद मदद आ पाई वहां पर?
जी मनीष, कहा जा सकता है जिस हिसाब से कानपुर इतना बड़ा शहर है और कानपुर लगभग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो फायर ब्रिगेड की इतनी उचित व्यवस्था कानपुर को पहले से ही, कानपुर प्रशासन को पहले से ही हमेशा इमरजेंसी में, क्योंकि ये सब सुविधाएं जो होती है इमरजेंसी की सुविधाएं होती है, और इमरजेंसी सुविधाओं में आपातकालीन चीजें जो होती है हमेशा व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से कानपुर में जब इतनी बड़ी आग लगी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो कहीं ना कहीं कानपुर जो प्रशासन है, प्रशासन का जो अग्निशमन बुझाने वाली चीजें हैं उस पर अगर कहा जाए तो थोड़ी कमियां दिखी। अब लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पे या प्रशासन इस पे क्या जांच करता है, जांच करने के बाद अपनी क्या रिपोर्ट लगाता है, क्योंकि लगातार इस पर संचिन उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी आग को आग कैसे लगी और किस तरीके से इस पर कंट्रोल ना पाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसको पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है, संज्ञान में लेने के बाद इस पर क्या जाँच करते हैं और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। अनिल, क्या मुख्य कारणों का पता चल पाया कि आखिर ये आग लगी कैसे? जी, जब हमने डीएफओ से बात करने का प्रयास किया है तो डीएफओ ने बताया कि जो आग है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लग सकती है, हालांकि अभी तक कोई अंदर नहीं जा पाया है, इसकी वजह से इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं हुई है। और डीएफओ का कहना है कि अभी इस पर जांच चल रही है, जांच करेंगे, जांच करने के बाद यदि इस पर कोई किसी भी आरोप सिद्ध होता है तो उसको बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनिल, 800 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है, अगर कैजुअलिटी की बात करें तो क्या वहाँ पे एक आम आदमी की भी दुर्घटना में मृत्यु होने की कोई सूचना मिली है? जी, मैं इसमें बता दूं कि ऐसा अभी कुछ सूचना नहीं है, क्योंकि अभी जब से फायर ब्रिगेड वगैरह गाड़ियां चल रही हैं और इतना समय हो गया है, अगर ऐसा कुछ होता तो हो सकता है परिजन वगैरह भी यहां पे आकर इस आरोप लगा सकते थे, लेकिन अभी ऐसी आम जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आग बुझने के बाद जब लोग इसमें इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद क्या जनहानि, क्या मनहानि, मानहानि, क्या चीजें इसमें नष्ट हुई है वो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आग पे काबू नहीं पाया जा पा रहा है, क्योंकि लगातार जैसे ही फायर ब्रिगेड की मशीनें इधर से उधर होती हैं तुरंत दूसरी पुरानी बिल्डिंगों में धुआं उठना चालू हो जाता है। हालांकि लगातार यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर और कानपुर देहात और कन्नौज और कानपुर से सटे जितने भी क्षेत्र हैं, लगभग अगर कमाना जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और जिस हिसाब से आग लगी थी उस हिसाब से रात को ही कानपुर कमिश्नर ने आसपास के जिलों के जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं सबसे संपर्क साधने के बाद सबसे मदद की गुहार की है। हालांकि कमिश्नर के थोड़ा एक्टिव होने से थोड़ी जो बड़ी समस्या हो सकती थी थोड़ा उस पर कंट्रोल पाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये आग कब तक बुझती है। अनिल, क्या प्रशासन की ओर से कोई ऐसा अनुदान या आर्थिक मदद देने की बात अभी सामने आ रही कि इसको भरपाई के लिए जिनका नुकसान हुआ है इतनी बड़ी संख्या में, उनको सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आया कि उनको क्या सहायता मिल सकती है? जी, मैंने इसमें बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरणों को पूर्णतः संज्ञान में लिया है। संज्ञान के बाद आला अधिकारियों से बात फोन पर बात भी की है। फोन पर बात करने के बाद सबको उचित दिशा निर्देश दिए हैं और दिशा निर्देश में कहा है कि इसमें जो भी अगर कोई घायल है तो घायलों को अच्छी तरीके से इलाज किया जाए और इसमें यदि जो भी पैसों की हानि या तो आर्थिक स्थिति या हानि हुई है उसके लिए पूरा एक पैकेज बनाया जाए। लेकिन अभी तक कोई उचित पैकेज की घोषणा नहीं की है। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने व्यापारियों के लिए मांग की है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि सच्चा मुआवजा दिया जाए। उनका इसी प्रकार से तंज भरा ट्वीट था कि जो सच्चा मुआवजा देकर उनकी जो स्थिति है उस पर कंट्रोल पाया जाए, ताकि वो आगे चल के अपने व्यापार को पूर्णतः फिर से उसी तरह खड़ा कर सके जैसे व्यापार पहले चल रहा था उनका। जी अनिल, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार दो दिन से तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश जारी है। वहीं सुबह सुबह यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी इस तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया था और विकेट पर भी मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम की करवट के बाद फिलहाल गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली NCR में हो रही बारिश से राजधानी में कई इलाकों में पानी भर गया है।
वहीं केजरीवाल ने उन दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है जब उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को लंदन की जैसी सड़कें बनाएंगे, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद ही दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गईं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, दिल्ली और बाराबंकी और श्रावस्ती की ये हम आपको फुटेज दिखा पा रहे हैं, वहां पे बारिश से जल भराव की क्या स्थिति है। लोगों का चलना मुहाल हो पा रहा है, गाड़ी भी आधी डूबी हुई चल रही है, तेज हवाओं का कहर जारी है और फसलों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे किसानों की क्या स्थिति होगी, इसका आकलन आप लगा सकते हैं। किसान की फसलें खड़ी हैं और इस बारिश से, ओलावृष्टि से उनकी फसलों का काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान की कमर टूटती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में जहां अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो लंदन तो बनता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये नदी नालों के रूप में जरूर नजर आ रही है दिल्ली, जहां पे भारी बारिश के कारण डूबा पड़ा है, लोगों को, जनमानस को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्थितियां बहुत भयावह नजर आ रही हैं, कोई नुकसान हो सकता है। अंबेडकर नगर की आप ये फुटेज देख पा रहे हैं जिसमें तेज हवाओं और बारिश का होते हुए आपको नजर आ रही है, वहीं लखनऊ से भी फुटेज नजर आ रही जहां पे बारिश हुई है, हवाएं चली हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में भी खूब बारिश हुई है, हवाएं चली हैं। विवांशु, आप क्या कहेंगे इस पे? हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण भी जुड़ चुके हैं, प्रवीण के पास चलेंगे। इससे पहले विवांशु आपके पास चलते हैं, लखनऊ की स्थिति बताइए, पानी गिरा है, हवाएं भी चली हैं, मौसम भी सुहाना हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत भी हुई होगी। जी चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज सुबह बारिश देखने को मिली। आपको बताया कि राजधानी लखनऊ में लगभग 5 बजे के करीब मौसम इसमें अगर देखें तो बीते 10 दिन में तीसरी बार अपना मिजाज बदल चुका है, और आपको बताया कि लगभग 1 घंटे भारी बारिश देखने को मिली। साथ ही साथ इसके बाद से मौसम विभाग की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी करते, नोटिफिकेशन जारी करते हुए येलो अलर्ट बताया गया था, और साथ ही आशंका लगाई थी कि 2 दिन मौसम का कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आएगा। इससे अगर मनीष जी बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश का 27 जिला इससे प्रभावित है। अगर बात की जाए तो अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमांचल भी इस बारिश का कहीं ना कहीं प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं मनीष जी जो आम किसान है उसको कई भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ खेतों में गन्ना और साथ ही साथ गेहूं की फसल खड़ी है, और इस भारी बरसात से कहीं ना कहीं गन्ना और गेहूं की फसल जमीन पर लेटी ही नजर आ रही है। आपको बताया कि बीते दिन जब ओलावृष्टि हुई तब आपने देखा कि सूबे के मुख्यमंत्री जो तमाम जिले के प्रशासन है के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश देते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि ओलावृष्टि और बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट बनाकर और शासन को दे, जिससे कहीं ना कहीं बारिश से नुकसान हुआ है उनको राहत दिया जा सके। मगर एक बार फिर मौसम के मिजाज बदलने से किसानों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मनीष जी अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के अंदर में आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब बारिश होती है, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल जाता है और लगभग 40 से 50 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बातें भी मौसम विभाग की तरफ से कही जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि लगभग 48 घंटों तक बारिश की संभावनाएं इन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और साथ ही साथ 27 जिलों में बनी रहेगी। मनीष जी, विभांशु, ये जो अभी बारिश लखनऊ में हुई है इसको आप देखिए क्या कहेंगे, क्या लखनऊ की सड़कें जलमग्न होती नजर आ रही है? हालांकि इतनी भी तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसी स्थिति दिख रही है कि जल भराव हो रहा है वहां पर? जी, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में बारिश का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, मगर जिन जगहों पर नालियां जाम थी वहां सुबह कहीं ना कहीं पानी एकत्रित हो गया था। अगर बात करें तो मौसम विभाग की गाइडलाइन के बाद अब कहीं ना कहीं जो नगर निगम प्रशासन है उसको जो चोक नालियां हैं उसको पहले से ही दुरुस्त कर दे, क्योंकि आने वाले समय में लगभग महीने दिन बाद बरसात का समय आएगा। मगर बात करें तो अभी अगर देखें तो राजधानी लखनऊ में भी जलमग्न की समस्या
बनी रहती है। तो अभी अगर देखें तो नगर निगम और तमाम जो लोकल अथॉरिटी है वो चौक नालियों को साफ कर और वर्षा ऋतु से पहले ही कहीं ना कहीं तैयारियों को पूरा कर ले तो बेहतर होगा। जी शिवांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, प्रवीण के साथ चलते हैं। प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दिल्ली की जो स्थिति देखने को में आ रही है, गाजियाबाद की जो स्थिति देखने में आ रही है, वहां पर जल भराव की स्थिति साफ साफ नजर आ रही है, और इस स्थिति में अगर दिल्ली को जहाँ केजरीवाल लंदन बनाने की बात कर रहे हैं वहां पर इन सड़कों में पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लंदन बनाएंगे, क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल मनीष, देखिए आपको बता दूं, दिल्ली में जिस तरह से जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही थी आम आदमी पार्टी कि जिस दिन वो अगर चुनाव जीतती है और दिल्ली में सत्ता उसको हासिल होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली को जो कहा था कि लंदन बना देंगे, सड़कें जो है उसको अमरीका जैसी बना देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सब दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली की सड़कें जो है इस समय जलमग्न है, हालांकि ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि नालियां कहाँ है और जो नदी है वो कहाँ है, ये तक पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि जिस दिन नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें जब हमें सत्ता हासिल होगी उसके बाद हम जब हमारा मेयर बनेगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सड़कें हैं उसको हम बेहतर कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की जब ये पोल खुलते हुए, आम आदमी पार्टी की पोल खुलते हुए ये बरसात दिख रही है क्योंकि बेमौसम बारिश है। हालांकि पहले से इंतजाम कर लिए जाते हैं कि नाली बेहतर हो, रोड अच्छे हो, खासतौर पे जो कचरा हो जाता है नालियों में क्योंकि जो बिन मौसम बारिश से पहले भी, क्योंकि हालांकि अभी गर्मी आने वाली है लेकिन ये बेमौसम बारिश है, कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले से ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है कि इससे पहले भी बारिश हुई है और उस समय भी दिल्ली में जलमग्न होते हुए गाड़ियां डूबते हुए भी देखी गई है। हालांकि बात करें सीपी की, यानी क्लार्क प्लेस की, एक ऐसा अंडरपास है जहां पर अक्सर पानी भर जाता है और कई बार वो तस्वीरें भी बराबर देखने को मिली होगी क्योंकि बसें तक वहां पर डूब जाती है। आज भी वही स्थिति वहां पर देखने को मिली है दिल्ली के अंदर में। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के दावे, जो बड़े बड़े दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं जरा सी बारिश के बाद। बात करें अगर गाजियाबाद की तो गाजियाबाद समेत एनसीआर में जिस तरह से लगातार ये बेमौसम बारिश हो रही है इससे लोगों को परेशानी तो हो रही है, खासतौर पे जो सिटी में जो रहते हैं, खासतौर पे जिनको घर ऑफिस जाना होता है उनके लिए मौसम बहुत सुहाना भी है। लेकिन किसान की बात करें तो किसान इस समय काफी बेहद दुखी है क्योंकि किसानों की जो फसल है ओलावृष्टि होने के बाद और लगातार जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, क्योंकि कुछ किसान की जो फसलें हैं वो अभी तैयार खड़ी है, उनकी कुछ जो पहले बुआई हुई थी उनकी फसलें कटके भी खड़ी हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान जो है वो रोता हुआ नजर आ रहा है। और ही अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था, मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि सभी डीएम को ये बोला गया था कि जो भी फसलें इस समय जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका एक ब्यौरा तैयार करें और वो जल्द से जल्द सरकार को सौंपे, क्योंकि जो जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको यूपी सरकार की तरफ से उनका मुआवजा मिल सके, इसको लेकर खासा बातचीत चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ब्रीफ भी कर रहे हैं डीएम को, लगातार अधिकारियों से वार्तालाप भी कर रहे हैं क्योंकि बेमौसम बारिश से खास तौर पे जो किसान है उनको खासा नुकसान हुआ है। अगर जिस तरह से ये बारिश हुई है, अगर फसल कम हुई पहले की वो भी मिलेगी क्योंकि नहीं हो पाएगी, कम फसल बाजार में मिलेगी तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी जनता ही झेल पाएगी, झेलने को मिलेगी। कहीं ना कहीं प्रवीण ये भी देखने को मिला है कि आम की मिठास भी अब फीकी नजर आएगी क्योंकि आम में बौर आ चुके हैं और छोटी छोटे उनके फल भी दिखने लगे हैं और जिस तरह से बारिश होते हैं हवाओं के बीच में उसको भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल किसान की अगर मनोस्थिति की बात किया, क्या दिल्ली प्रशासन की तरफ से ये ऐसा कुछ बयान सामने आया है जिसमें वो किसानों की मदद करेंगे अगर फसलों को नुकसान होता है? देखिए दिल्ली में खासतौर पर कुछ आउटर जो क्षेत्र है, यानी रिंग रोड जो है वहां पर कुछ खेती किसानी होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद हरियाणा लग जाता है, उसके बाद फिर ये गाजियाबाद का बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर लग जाता है, तो दिल्ली के जो लास्ट के कोने के क्षेत्र है वहां पर थोड़ी बहुत किसानी होती है। अगर बात करें जमुना जी के किनारे भी कुछ लोग खेती किसानी करते हैं, हालांकि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि किसानों को कोई राहत मिल पाए क्योंकि ज्यादा खेती बाड़ी यहाँ होती नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इस तरफ ज्यादा खेती होती है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए जो मुआवजे की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को पहले ही, इससे पहले भी जब ओलावृष्टि हुई थी उसके बाद सरकार ने खुद मुआवजे की बात कही थी, जो किसान है जो पीड़ित है खासतौर पर। और एक बात आपने कही जो आम की मिठास, तो कहीं ना कहीं जो बौर आया हुआ था वो तेज हवाओं के साथ कहीं ना कहीं गिर गया है। अब जो छोटे छोटे जो आम की जो बतिया है, यानी कह सकते फसल जो है, आम के जो फल है अब वो देखने को मिले। हालांकि इस बार जो आम की फसल है वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरह से तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को इसकी मार खासा देखने को मिली है। किसान काफी परेशान है और किसान को ही इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जी प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, विभांशु के साथ जुड़ते हैं। विभांशु, क्या कहेंगे आप, आम की फसलों को कितना नुकसान होने वाला है, आम की जो मिठास है कितनी फीकी पड़ने वाली है और प्रदेश में इसमें किसानों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर
ये बारिश और ये हवाएं बंद नहीं हुई तो। और तमाम यूरोप देशों में जाता है और लखनऊ के पास मलिहाबाद आमों के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ आम के कई बड़े व्यापारी हैं जो भारी मात्रा में आमों की पैदावार करते हैं। बात करें तो कलीमुल्लाह नाम के एक किसान है जो लगभग हजारों की संख्या में आमों की प्रजातियों को हर साल अपने बागीचे में लगाते हैं और इसको लेकर वो काफी चर्चित भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद समेत जहाँ आमों का एक बड़ा व्यापार माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि मलिहाबाद में आम की कई प्रजातियां हैं। साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में आम की जो फसल है जो तमाम किसान आम में अभी मौजूद आ चुका है और कहीं ना कहीं अब कीटनाशक छिड़काव का दौर चल रहा है और तमाम जो दवाएं होती है पेड़ की जो रखवाली होती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं भारी अगर देखें तो भारी मौसम के बदलाव में और साथ ही साथ हवाओं के रुख से आम के मौजूद से कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा जिससे साफ तौर से किसान के जब आम का पैदावार होगा उसमें काफी घटोतरी देखने को मिलेगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या मौसम का मिजाज अभी दो दिन के बाद आगे भी जारी रहता है वो आने वाला समय उस पर मौसम विभाग अवगत कराएगा। मगर निश्चित तौर से मनीष जी बात की जाए तो इससे हवा के तेज हवा से कहीं ना कहीं किसानों को खेत में अगर बात करें तो गेहूं गन्ना और विभिन्न फसलों के साथ साथ आम के भी फसलों पर भारी नुकसान झेलने को देखने को मिल सकता है। जी विभांशु, ये जो बेमौसम आंधी और बरसात का सामना करना पड़ रहा है इस समय प्रदेश की जनता को और एनसीआर दिल्ली की जनता भी पूरा देशी इन सब चीज़ों को झेल रहा है जहाँ जहाँ इस टाइप की चीज़ें आते हैं और येलो अलर्ट भी जारी हुआ है, तो आपको क्या प्रशासन की तरफ से अभी कोई इन पे इनको आर्थिक मदद देने की बात सामने आई है? आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में अगर देखे तो बीते हफ्ता ओलावृष्टि और वर्षा से कई क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान हुआ था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसके एक लिस्ट बनाकर शासन को भेजे तो उन्हें राहत के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ रुपए उन्हें सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। मगर बात करें तो आज के इस बेमौसम से कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें नहीं आ रही है कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है और निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उसको अधिकारी पालन करेंगे और मौसम से जिन किसानों को क्षति पहुंचेगी मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जी विवांशु, प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, क्या अरविंद केजरीवाल का भी कुछ बयान सामने आया है? देखिए मनीष, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी जो मुख्यमंत्री है इस समय पर, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके तरफ से अभी कोई आधिकारिक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि किसी तरह से किसानों को जो राहत मिल पाए। हालांकि अभी देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ जो किसान है जिनको जिनकी फसलें खराब हुई है खासतौर पर उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया देखने को। लेकिन कहीं ना कहीं बात यह भी कह सकते हैं जो पिछली बार एक बार जो पहले भी ओलावृष्टि हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इस तरह का मुआवजे का ऐलान किया था और खासतौर पर जो जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी ओलावृष्टि के कारण जिस तरह से जो बैठ गई थी यानी शुरुआती दौर में जब जो फसल है वो तैयार हो रही थी उससे पहले ही ओलावृष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं उस समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे की बात भी कही थी और मुआवजा उन किसानों को मिला भी था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ है भारी मात्रा में हुआ है और बात करें वहीं पर जो दिल्ली एनसीआर सटा हुआ हरियाणा है, हरियाणा में भी काफी किसान जो किसानी करते हैं उनकी भी फसल खराब हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो बेमौसम बारिश है इससे कुछ लोगों को फायदा तो मिला है लेकिन कहीं ना कहीं किसान बहुत इससे त्राहिमान त्रस्त देखे जा रहे हैं। जी मनीष, प्रवीण आखिरी सवाल, क्या ये बारिश और आंधी का इस प्रकोप के बाद जो जलमग्न सड़कें हुई हैं और जो भी वहां की स्थितियां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या नगर निगम कितना अब एक्टिव नजर आ रहा है तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम इस समय पर काफी अलर्ट है। हालांकि जो कचरा जो नालियों में और जो टबों के अंदर में जिस तरह से भर जाता है उसको निकाल कर बाहर कर दिया गया, हालांकि उनको पहले से ही इस चीज का अलर्ट मिल गया था मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ समय में बारिश लगातार होगी और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए रात में ही गाजियाबाद के अंदर में जोरदार बारिश भी हुई है खासतौर पर जोरदार हवाओं के साथ,
कहीं ना कहीं अब जो मौसम है वो काफी अच्छा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जो कि दिल्ली में खासतौर पे दिल्ली नगर निगम जिस तरह से दावे कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद कह रही थी कि जिस दिन नगर निगम में आएंगे उसके बाद दिल्ली की कायाकल्प कर देंगे, दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी, उसको लंदन बना जाएगा, कहीं ना कहीं वो दावे जो है वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब दावे जो है फेल नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें जो है अभी भी जलमग्न है, लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि जितने भी दफ्तर है, सेंट्रल के जो दफ्तर है, क्योंकि राजधानी दिल्ली यानी भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, और दिल्ली में इस तरह का अगर माहौल रहेगा, इस तरह की तस्वीरें होंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बहुत ही बेकार तस्वीरें होंगी, जो क्योंकि सैलानी भी वहां पर आते हैं अगर इस तरह की तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि नगर निगम पहले भी बीजेपी ने काफी बेहतर चलाई है, अगर बीजेपी की बात करी जाए उससे पहले ही तैयारियां कर ली जाती है, लेकिन अभी जो नई तरीके से जो इनको कमान मिली है नगर निगम की आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं अभी इनको समझना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में, किस तरह से आगे इसको किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जलमग्न हुई है सड़कें उससे काफी लोगों को परेशानी हुई, लंबे लंबे जाम देखने को मिले हैं, क्योंकि बॉर्डर से ही जाम चालू हो जाता है, क्योंकि हल्की सी बारिश में दिल्ली पूरा जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जी मनीष, कहीं ना कहीं प्रवीण लापरवाही भी सामने आई है नगर निगम की। फिलहाल प्रवीण, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए और लखनऊ से विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं अंबेडकर नगर, लखनऊ, दिल्ली और बाराबंकी श्रावस्ती की फुटेज आपके सामने है। इसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं इस छोटी सी बारिश से ही, और वहां पे क्या स्थिति होगी, आम जनमानस को आने जाने में यदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो वहां पे भारी बारिश और आंधी से स्थितियां आपको साफ नजर आ रही होंगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, बाहरी लोगों को टिकट देने से परहेज करेगी बीजेपी। अपने ही कार्यकर्ताओं को देगी निकाय चुनाव में टिकट, साफ छवि वालों को ही दिया जाएगा टिकट। के चुनाव में हुई गड़बड़ी से बीजेपी ने लिया है सबक, कोर कमेटी को मिली टिकट वितरण की जिम्मेदारी। पिछड़ों के वोट बैंकों को साधेगी भारतीय जनता पार्टी, टिकट में देगी बीजेपी महिलाओं को प्राथमिकता। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान सामने आया है, बाहरी लोगों को टिकट देने से परहेज करेगी बीजेपी। अपने ही कार्यकर्ताओं को देगी निकाय चुनाव में टिकट, साफ छवि वालों को ही दिया जाएगा टिकट। दो हजार इक्कीस के चुनाव में हुई गड़बड़ी से बीजेपी ने लिया है सबक, कोर कमेटी को मिली टिकट वितरण की जिम्मेदारी। पिछड़ों के वोट बैंकों को साधेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान सामने आया, जिसमें उन्होंने कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से परहेज करेगी, और खास तौर पर महिलाओं को उसमें ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अपने ही कार्यकर्ताओं को देगी निकाय चुनाव का टिकट, इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव के लिए टिकट देगी, बाहरी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलेगी। क्या कहेंगे आप? जी मनीष जी, आप कि निकाय चुनाव की आरक्षण की सूची कल 6 बजे आ गई, जिसके बाद से निकाय चुनाव की अगर सरगर्मियों को देखें तो उसमें तेजी देखने को मिली है। अगर बात की जाए मनीष जी, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नई रणनीति के तहत निकाय चुनाव में आएगी, क्योंकि 2024 चुनाव से ठीक पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से आए या जो नए नवेले सदस्य हैं उनके ऊपर दाव अजमाने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आएगी। आपको बताएं कि जो तमाम वर्गों के हैं, चाहे ठेकेदार हों, चाहे बात करें खनन हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे तमाम जो पुराने पार्टियों के जो व्यक्ति हो, जो पार्टी में वापस
कहीं ना कहीं नए सदस्य के तौर पे शपथ ले, ऐसे लोगों पे कहीं ना कहीं दांव लगाते थे बचेगी भारतीय जनता पार्टी है। इसमें बात की जाए तो साफ छवि और जो जिनकी साफ सुथरी छवि हो उनके ऊपर दांव अजमाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो 2021 पंचायत चुनाव में गड़बड़ियों की बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी को एक नुकसान हुआ था और इसमें साफ तौर से टिकट के बंटवारे को लेकर बात सामने खड़ी हुई थी। अब इसको लेकर बीजेपी आश्वस्त कर दी है कि हम महिलाओं पे दाव खेलेंगे, साथ ही साथ महिलाओं की आबादी पर कहीं ना कहीं दाव आजमाएंगे और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के लिए लगभग 30-35% जो सीटें हैं उसको आरक्षित रखेंगे। जी जो सूचना है, जो ये सूची जारी की गई है इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पिछले जो भी प्रत्याशी रहे हैं एक बड़ा फेरबदल है उसमें, कहीं ना कहीं उनको निराशा का भी सामना करना पड़ेगा और कई लोग, काफी लोग जो इस तैयारियों में जुटना चाह रहे होंगे, निकाय चुनाव में आना चाह रहे होंगे, उनके लिए भी एक मौका इसमें दिखता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो नई सूची आई इसमें कितने लोगों को लगेगा कि हाँ सही हुआ है और कितने लोगों को लग सकता है कि भाई कहीं ना कहीं उनको एक नया मौका मिलता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको निराशा का सामना भी करना पड़ रहा होगा क्योंकि काफी फेरबदल इसमें नजर आ रहे हैं। जी मनीष जी, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे जिसमें नतीजों में अगर बात करें तो सपा आरएलडी की जो गठबंधन थी वो कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट दी थी। इसके बाद अब बात की जाए तो निकाय चुनाव है, लोकल अथॉरिटी के चुनाव दूसरी चुनाव है, इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे कहीं कहीं जो लोकल ग्राउंड पे जो स्पेस बीजेपी के पास में है उस पे नुकसान देखने को मिले। बात करें तो अगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी एक भारी मत से जीतती है तो लोकसभा चुनाव में एक मजबूती के साथ क्षेत्र में अपना दमखम दिखा पाएगी। चाहे बात करें अगर जो भी दल इस बार निकाय चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनके लोकल अथॉरिटी में उनके पास कुछ पद आ जाएंगे, कुछ निगमों में जगह आ जाएंगे जिससे वो निश्चित तौर से चुनाव को अपने पक्ष में कर सके। साथ ही अगर बात की जाए तो ओबीसी और साथ ही साथ एससी समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दाव खेल रही है क्योंकि अगर देखें तो समाजवादी पार्टी जाति जनगणना तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोगों को टिकट और साथ ही ओबीसी और महिला को पे दाव लगाएगी। जी कहीं ना कहीं विभांशु, ये जो सियासी दांव पे जिसमें नजर आ रहे इसमें जो लगातार निकाय चुनाव में जीत रहे थे उनको भी उनकी सीट भी या तो महिला कर दी गई है या महिला जो पुरुष जो सीट थी वो पुरुष सीट कर दी गई है और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति को लेकर भी जो समीकरण बैठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या फेरबदल किया गया और सियासी एक रणनीति भी इसमें अपनाई गई है बीजेपी की मजबूत स्थिति को लेकर, और जहाँ सबसे अगर बात किया जाए कि महिलाओं को लेकर प्राथमिकता इसमें देती नजर आ रही है बीजेपी, क्या कहेंगे इस पर? जी निश्चित तौर पे अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर महिलाओं पर अपने जो कोर वोटर है उन पे दाव लगाते हुए नजर आएगी। बात करें तो जो बड़े महानगर हैं 8 महानगर वहां पे महिलाओं की सीटों को कहीं ना कहीं वरीयता दिया गया है कि महिला प्रत्याशी वहां से लड़ेंगी। साथ ही अगर मनीष जी अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर जो आरक्षण की सूची आई है उसमें कहा गया सर्वे के बाद और तमाम प्रारूपों को पालन करने के बाद ये सीटों का जो देखे तो आरक्षित अनारक्षित या जो भी वर्ग को दिया गया है उसके बाद तय किया गया है। मनीष जी अगर बात की जाए तो क्षेत्र के आधार पर जिस क्षेत्र में आबादी जिसकी है और कैसा प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर जो सीटों का आरक्षण है उसकी सूची को जारी की गई है और इसमें अगर किसी प्रत्याशी को किसी तरह की दिक्कत होगी या किसी क्षेत्र के व्यक्ति को उस आरक्षण की जो सूची जारी की है उससे आपत्ति होगी तो 6 अप्रैल से पहले वो आपत्ति अपनी जता सकता है जिसके बाद नगर विकास विभाग इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जी वांशु, एक चीज और अच्छी नजर आ रही है बीजेपी के ने जो निकाय चुनाव को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को इन निकाय चुनाव में नहीं देंगे, अपने ही कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और उन्हीं को एज ए प्रत्याशी उनको टिकट दिया जाएगा। इसको आप कहां तक कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के जो पदाधिकारी उनके लिए कितनी खुशी की बात आपको लगती है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी निकाय पंचायत चुनाव के अंदर में कहीं ना कहीं 900 से अधिक सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी, वहीं लगभग 1000 की सीमा सरकार समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को
देखने को मिला था पक्ष में। और इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने के लिए और साथ ही साथ पंचायत चुनाव में जो दिक्कतें आई थी वो फिर से ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी के अंदर के ही लोगों को टिकट देगी कि जो चुनाव का नतीजा हो वो पार्टी के विपरीत ना हो। इस निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अगर निकाय में तमाम जो पदे हैं उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाते हैं और उनके लोग जीत कर जाते हैं तो निश्चित तौर से इसका परिणाम 2024 चुनाव के रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। जी कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाती भी नजर आ रही है, इसी के तहत उन्होंने जो समीकरण बैठाए हैं वो समीकरण भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति मजबूत हो उसमें। फिलहाल विमांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान सामने आया जिसमें बीजेपी ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है और यह भी कहा है कि बाहरी किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसे परहेज करेगी बीजेपी, अपने ही कार्यकर्ताओं को आगे लाएगी और कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव का टिकट दिया जाएगा। साफ छवि वालों को ही दिया जाएगा टिकट, बीजेपी का बड़ा बयान है। 2021 के चुनाव में हुई गड़बड़ियों से बीजेपी ने लिया है सबक, कोर कमेटी को मिली टिकट वितरण की जिम्मेदारी। पिछड़ों के वोट बैंक को साधेगी भारतीय जनता पार्टी, टिकट में देगी बीजेपी महिलाओं को प्राथमिकता, यह महिलाओं के लिए खुशखबरी भी है। कानपुर में बड़ा हादसा, हमराज कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 500 दुकानें जलकर हुई खाक, करोड़ों का हुआ नुकसान। कानपुर से बड़ी खबर है जहां पे करोड़ों का नुकसान हुआ, बताया जा रहा है 500 से 800 तक की दुकानें जलकर खाक हो गई जिसमें कम से कम। कानपुर हादसे पर सीएम योगी का ट्वीट भी सामने आया, घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने दुख जताया है। सीएम योगी ने राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं, सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। हमराज कॉम्प्लेक्स में लगी है भीषण आग, ये आग इतना विकराल रूप धारण किया जिसमें 500 से 800 की दुकानें जलकर खाक हुई है, बड़ी संख्या में व्यापारियों का नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है। सीएम ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है, ये कानपुर से बड़ी खबर है जिसमें 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग बुझाने का काम किया। और बड़ी हमारे साथ मौके इस समय मौजूद हैं मौके से अनिल। अनिल, कानपुर में इतना भीषण हादसा हुआ है, इतना बड़ा अग्निकांड हुआ है, इसमें 500 से 800 की संख्या में दुकान जलकर खाक हो गई, व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसे आग बुझाने में लगी थी। इस समय वहां की स्थितियां क्या हैं और वहां के व्यापारियों से आपकी क्या बातें हुई इस पे? अनिल, आपकी आवाज हमारे तक बिल्कुल साफ नहीं पहुंच पा रही है किसी कारण से। जैसा कि आपको अभी ये विजुअल दिखाई दिया जिसमें कि जो दुकानों में आग लगी थी बुझ गई है, लेकिन वहां से अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और इतनी बड़ी संख्या में ये अग्निकांड हुआ जिसमें काफी नुकसान भी व्यापारियों को उठाना पड़ा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अनिल, क्या स्थितियां हैं इस समय वहां की? लगभग आप देख सकते हैं कि कुछ है और अगर बाहर है बिल्डिंगेशन, छह बिल्डिंगें पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी है, लगभग
छह दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो यहां पर मौजूद है और छह ब्रिगेड जो गाड़ियां हैं आग बुझाने में पूरी मशक्कत कर रही हैं। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लेने के बाद आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है कि जो भी इसमें उचित कदम हो वो उठाया जाए। आप देख सकते हैं कि लखनऊ से स्टेशन फायर ब्रिगेड की मशीन मंगाई गई है जो कि लगातार आग को काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है और इसमें जल थल और वायुसेना तीनों सेनाएं लगाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और आग लगातार जिस तरीके से विकराल रूप ले रही थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें सख्त कदम उठाने पड़े हैं और पूरे कानपुर का आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कानपुर के अलावा आस पास जो जिले हैं उन जिलों से भी अधिकारी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और जब रात को आग लगी थी, आग लगने के बाद में कानपुर के कमिश्नर ने आस पास जो क्षेत्र है वहाँ के अधीक्षकों से बात करके अधीक्षक वहाँ से मदद मांगी। वहाँ से मदद मांगने के बाद पूरे यहाँ पे फोर्स मौजूद हो चुका था और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जिस हिसाब से आग का विकराल रूप था काफी काबू पा लिया गया। काबू पाने के बाद में स्थिति अभी सामान्य है। अनिल, इतनी बड़ी संख्या में दुकानों में आग लगी है कि कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें नजर आती है जी। क्या दो तीन घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां नहीं पहुंच पाई जो इतनी बड़ा अग्निकांड हो गया और ये आग बराबर फैलती चली गई? जी बता दूं कि लगभग 20 अरब के नुकसान की आशंका है। लगभग कहा जाए तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मशक्कत की है। मशक्कत करने के बाद लगातार प्रयास जारी है और सभी आला अधिकारी यहाँ पे रात से ही मौजूद हैं और पूरी तरीके से जो भी उचित सुविधा जो भी मुहैया कराने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि व्यापारियों को देखा गया तो व्यापारी काफी इसमें उदास नजर आए क्योंकि कहीं ना कहीं ईद का त्यौहार था, ईद के त्यौहार के बाद जिस तरीके से ये बड़ी आग लगी है तो कहीं ना कहीं सभी व्यापारियों को एक बड़ा झटका लगा है और सदमा भी लगा है। और सदमा लगने के बाद में सभी व्यापारी काफी उदास हैं। उदास जाहिर सी बात है, ईद का त्यौहार था और ये जो मार्केट है लगभग मुस्लिमों की यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की ज्यादा दुकानें थी और मुस्लिम समुदाय ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार के चलते काफी माल भी यहाँ लगा के रखा गया था ताकि ईद के समय पे इसका व्यापार किया जा सके। और ईद के समय पे जिस हिसाब से अरबों का माल इन मार्केट में भरा हुआ था तो कहीं ना कहीं नुकसान की बड़ी बात है। हालांकि सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है। संज्ञान लेने के बाद में इस पे आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें उचित कार्रवाई हो कार्रवाई की जाए ताकि सभी व्यापारियों को इस पे संतुष्टि मिल सके। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे एक बड़ा तंज कसा है क्योंकि जिस हिसाब से आग लगी थी और जिस हिसाब से जीएसटी और महंगाई का बढ़ना तो उसमें अखिलेश यादव ने बोला था कि जिस हिसाब से सरकार को इस पर मुआवजा देना चाहिए, मुआवजे के साथ एक सच्चा मुआवजा देना चाहिए ताकि व्यापारियों को इससे काफी राहत मिले। जी वहाँ की स्थिति इस समय अनिल बताना मैं चाहूंगा कि वहाँ पे दर्शकों को थोड़ा सा विजुअल भी दिखाइए कि वहाँ पे दुकानों का थोड़ा विजुअल दिखाइए और कोशिश करिए अगर वहाँ पे लोगों से कुछ बात हो पाए तो। जी आप स्थिति देख सकते हैं कि काफी भीड़ है और भीड़ के साथ ही लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं क्योंकि लगातार पानी से निकल रहा है, आग बुझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं मशक्कत कर रहे हैं और आग को बुझाने के लिए जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अपने प्राइम टीवी के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से ये आग लगी है तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकरण को सूबे के योगी मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आग होगी। और इसके अलावा बता दूं कि आसपास के जो जिले हैं जो कानपुर के टच में रहते हैं और कानपुर के टच है वो लगातार उनसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं। लगभग आसपास से 8-10 जिले थे जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगा ली गई थी आग बुझाने के लिए और लगातार आसपास के जो जिले हैं उनसे मदद मिल रही है लेकिन अभी भी आग पे इतना पूर्णतया काबू नहीं पाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत बड़ी खबर है कि जिस हिसाब से आग लगी थी तो लगभग 8-10 घंटे बीत चुके हैं। 8-10 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर भी काबू कुछ आग पर काबू पाया गया था लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो भी शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मशक्कत में लगा हुआ है और लगभग आग पर काबू पा लिया गया। जी अनिल, देखने में आ रहा है कि जिस तरह से अभी भी धुआं उठता नजर आ रहा है दुकानों से, इसका मतलब आग बहुत काफी भीषण लगी थी। क्या वहां पे पानी बरसा था आज? जी मनीष, कहीं ना कहीं जो
बारिश हुई है, बारिश की वजह से आग पे काफी कंट्रोल, बारिश के लिए बारिश होने से भी इसमें काफी प्रशासन को राहत मिली थी, क्योंकि बारिश होने से काफी इसमें कंट्रोल पा लिया गया था। और जिस हिसाब से रात में लगभग एक दो घंटे की बारिश से जो आग काफी फैल रही थी, लेकिन उस पर काफी कंट्रोल पा लिया गया था। और इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि लगातार पानी यहां से चालू है। और पुलिस प्रशासन आम जनता से भी अपील कर रहा है कि कृपया यहाँ से दूर हट जाए, क्योंकि आग लगने के बाद अक्सर होता है कि बिल्डिंगों में दरारें आ जाती हैं, दरारें आने के बाद बिल्डिंग गिरने की भी आशंका बन रही थी, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है ताकि तो कोई जनहानि ना हो। और हालांकि फिलहाल आर्थिक हानि की वजह से काफी लोग व्यापारियों के रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ईद का त्यौहार था और ईद के त्यौहार के बाद इस तरीके से बड़ी आग है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को काफी बड़ा सदमा लगा है। और बता दूं कि ये जो मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है रेडीमेड कपड़ों के मामले में, और जिस हिसाब से ईद का त्यौहार था, ईद के त्यौहार के चलते और जिस काफी माल यहाँ पे भरा हुआ था, और बता दूं कि एक SBI बैंक थी इसी परिसर में, SBI बैंक भी पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी है। हालांकि SBI बैंक के अधिकारी भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, आने के बाद में जो भी उचित प्रयास हो रहा है वो लगातार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये हमराज कॉम्प्लेक्स है, कानपुर का सबसे पुराना मार्केट है कपड़े का, और जिस हिसाब से इसमें भी तीसरी नंबर पे इसकी आग लगी है, जो इसके ठीक बगल में दो बिल्डिंगें थी वहां से आग की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आग पे कंट्रोल ना पाया गया होता, यहाँ पे एक बांस मंडी है जो ठीक इसी क्षेत्र से लगी हुई बांस मंडी है, और बांस मंडी से अगर आग लग जाती तो कहीं ना कहीं कानपुर में एक भयानक नुकसान होने की आशंका थी, लेकिन किस हिसाब से सही समय पर पुलिस ने अपना एक रूप अपनाया और रूप अपनाने के बाद जिस हिसाब से लगभग आग पे काबू कंट्रोल किया है, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब किस तरीके से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, गाड़ियां अगल बगल लगी हुई हैं फायर ब्रिगेड की, और पूरी तरीके से पानी की जितना ज्यादा बौछार की जा रहा है ताकि आग पर काफी कंट्रोल पा लिया जाए, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यानी साफ देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की टीम पूरी मशक्कत के साथ आग बुझाने का काम कर रही है, और ये पूरी कवायद जो है कम से कम 10-12 घंटे से लगातार जारी है। फिलहाल अनिल, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कैजुअलिटी सामने आई है इसमें? जी, मैं इस बता दूं कि ऐसा कोई खास कैजुअलिटी नहीं है, सिर्फ आर्थिक हानि यहाँ पे हुई है, क्योंकि रात का समय था, रात के समय पे जितने भी कर्मचारी होते हैं वो अपने अपने घर जा चुके थे, और ये कॉम्प्लेक्स जो है बाहर से बंद कर दिए गए थे, क्योंकि सभी कॉम्प्लेक्स के बाहर मेन डोर बनाए गए हैं, मेन डोर के बाद सभी डोर बंद कर दिए जाते हैं, रात को लोग निकल जाते हैं। ये तो अच्छी स्थिति थी कि रात का समय था, तो जिससे इस पर कोई जनहानि होने की शंका नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक हानि हुई है व्यापारियों को, तो व्यापारियों की आर्थिक हानि, आदमी कहीं रीढ़ की हड्डी तो है व्यापारियों की, और जिस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए, बड़ा कदम उठाने के बाद में व्यापारियों को आर्थिक बड़े अच्छे मुआवजे की मुआवजा देना चाहिए, ताकि त्यौहार सभी के त्यौहार स्तर पे है, और जिस हिसाब से त्यौहारों को देखते हुए व्यापारियों की हानि हुई है उससे काफी मलहम लगेगा, इस मलहम को लगाने के लिए सरकार को एक अच्छे पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि व्यापारियों को थोड़ा सांत्वना मिल सके। अनिल, इस खबर पे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। निकाय चुनाव के तैयारों में जुटी बीजेपी, बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, बड़ी खबर है। चुनाव के सिलसिले में कई कैबिनेट मंत्री जाएंगे दौरे पर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बिजेश पाठक भी कर रहे हैं बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार हो रही है बैठक, बैठक कर चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है नई रणनीति, नवनियुक्ति पदाधिकारियों को भी मिल रही है जिम्मेदारी, 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी जारी।
पैर फिसलने से कुएं में गिरी युवती, चंदौली से ये खबर आ रही है। आनन फानन में परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बबरी थाना क्षेत्र के लठौरा गांव की घटना। चंदौली से खबर आ रही है जिसमें पैर फिसलने से कुएं में गिरी युवती, आनन फानन में परिजनों ने से अस्पताल पहुंचाया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बबरी थाना क्षेत्र के लठौरा गांव की घटना है। हज यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। आवेदकों को मिल सकती है हज यात्रा की अनुमति। अब राज्य स्तर पर नहीं होगी लॉटरी। पहली बार आवेदन करने वाले की लॉटरी सेंट्रलाइज होगी। दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से लॉटरी सिस्टम। यूपी से 26,786 लोगों ने हज यात्रा के लिए किया आवेदन। 2019 में यूपी से हज यात्रियों का कोटा 30,000 था। लखनऊ नगर निगम में आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नई आरक्षण सूची में 14 वार्डों का बदल गया आरक्षण। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 73 में किया गया बदलाव। बाकी के 47 वार्ड नंबर में पहले वाला ही आरक्षण लागू, 37 वार्ड नंबर में पहला ही वाला आरक्षण लागू किया रखा गया है। लखनऊ नगर निगम में आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, नई आरक्षण सूची में 14 वार्डों का बदला गया आरक्षण, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आरक्षण का जो लिस्ट थी वो अंतिम आरक्षण की सीट जो है वो जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए लखनऊ की, जो जितने वार्ड है लगभग 110 वार्ड है लखनऊ नगर निगम सीमा क्षेत्र में, तो 1 से 73 के बीच में जितने भी नगर निगम के वार्ड आ रहे हैं वहां पर आरक्षण के प्रस्ताव में बदलाव किया गया है। 37 वार्ड की अगर बात की जाए तो 37 नंबर में जो पहले वाला आरक्षण था, इसके पहले दिसंबर में जो लिस्ट जारी की गई थी वही आरक्षण लागू रहेगा। वार्ड आरक्षण को लेकर लखनऊ में नई सूची भी आ गई है। पिछली सूची की तुलना में अगर देखी जाए तो 14 वार्ड में आरक्षण व्यवस्था बदल दी गई है। नए सर्वे में लखनऊ के करीब 10% वार्ड के आरक्षण में बदलाव आया है। हालांकि यह बदलाव वार्ड 1 से 73 के बीच है और वार्ड नंबर 73 के बाद यानी 110 नंबर तक किसी भी वार्ड में बदलाव नहीं किया गया है। अब इसके बाद जल्द ही चुनाव की आचार संहिता की तारीख भी आ सकती है। सूची आने के साथ ही गुरुवार रात से ही पार्षद प्रत्याशी जो भी है चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। जहां जहां आरक्षण की सूची जारी हुई है पूरे प्रदेश में, वो वहां के प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने जुड़ गए हैं। रात से ही होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर छपने शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन वार्डों का आरक्षण में बदलाव हुआ है मैं उसका नाम आपको बता देता हूं। शारदा नगर द्वितीय, इब्राहिमपुर द्वितीय, राजा बिजली पासी द्वितीय, अम्बेडकर नगर, कल्याण सिंह शहीद भगत सिंह प्रथम, खरगापुर सरसवा, जानकीपुरम तृतीय, गुरु नानक बाबू कुंज बिहारी ओम नगर, कन्हैया माधोपुर द्वितीय, डालीगंज निराला नगर, चितगुप नगर, फजुल्लागंज तृतीय वार्ड में आरक्षणों का बदलाव इसमें किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे लखनऊ में भी समीकरण बदला है। अब वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम दिखाने के लिए क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ रहे हैं और जनता के साथ जुड़ करके अब नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आरक्षण सूची में किया गया है, इसको लेकर प्रत्याशियों का क्या कहना है? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं प्रत्याशियों में कहीं खुशी की लहर है तो कहीं गम का माहौल भी छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण की सूचियां बदली हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिन जो उस श्रेणी में आते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उस श्रेणी में नहीं आते, जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुखी मन से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार से अब ये आपत्तियां भी दाखिल होनी है। 6 तारीख को समय दिया गया है, 6 तारीख को 6 बजे तक का समय दिया गया है, आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। आपत्ति दाखिल करने के बाद फिर आखिरी निर्णय लिया जाएगा, फिर अंतिम सूची जारी होगी, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग को वो सूची भेजी जाएगी, फिर चुनाव आयोग उस पर जो फैसला लेगा, फिर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, चुनाव के डेट जारी होंगे, फिर आचार संहिता होगी, उसके बाद मतदान होगा, फिर चुनाव कराई जाएगी। जी रितेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।